ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने को तैयार हो गई ये सरकार। लाखों कर्मचारियों को इससे फ़ायदा होगा। पूरी जानकारी दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं जी बिजनेस हिंदी की ये खबर है। पुरानी पेंशन बहाल करने को तैयार हुई सरकार, लाखों कर्मचारियों को होगा बड़ा फ़ायदा। चलिए पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू होगी। आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर बुग्गना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने विधानसभा में राज्य कर्मचारियों को ओपीएस देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी मैनिफेस्टो का वादा था जिसे सरकार पूरा करेगी। उधर हिमाचल प्रदेश ने भी 1500 से अधिक शिक्षकों को ओपीएस लाभ देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार से ओपीएस लागू करने की हरी झंडी मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 2003 से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती शिक्षकों को ओपीएस के तहत शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेड्डी के मुताबिक सरकार कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जिसे एनपीएस भी बोला जाता है को खत्म करके ओपीएस लागू करेगी। हालांकि इसके लिए उन्होंने कुछ समय भी मांगा है। उन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इस मामले को देख रहे हैं और इसे लेकर सीनियर अफसरों की 2 बार बैठक भी हो चुकी है जिसमें ओपीएस लागू करने की बातचीत हुई। सीपीएस यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम यानी कि जिसे एनपीएस भी बोला जाता है होगी बंद। मंत्री ने सदन में को बताया कि सीपीएस को बंद करने के लिए समिति गठित की गई है। इस समिति में मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन के सीनियर अफसरों को शामिल किया गया है। वे ओपीएस को लागू करेंगे के लिए प्रोसीजर तैयार करेंगे। उत्तराखंड में प्रदर्शन भी हो रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए देश भर में सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में राज्य प्राथमिक शिक्षक से जुड़े सैकड़ों शिक्षकों ने ओपीएस लागू करने के लिए 1 दिन पहले प्रदर्शन किया था। उन्हें बहादुराबाद में हरिद्वार होते हुए रोशनाबाद कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली निकाली थी। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी दो जो स्टेट हैं काफ़ी आगे हैं, इनिशिएट अच्छा ले चुके हैं ओपीएस लागू कराने के लिए। जो भी इससे अपडेट आएगी हम आपको जरूर कर देंगे। वीडियो अच्छा वहाँ पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। उस न्यूज़ और अपडेट्स के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।